हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स से कुमार मित्तल बुक से जो कि मैंने लिया है आंकिक प्रश्न चैप्टर नंबर जो कि 7 है, जिसका नाम है बल न्यूटन के गति विषयक नियम। कुमार मित्तल बुक से फिजिक्स का मैंने चैप्टर नंबर 7वां से यह आंकिक प्रश्न लिया है। दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला है और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों बल न्यूटन तथा गति विषयक के नियम। ठीक है, तो आज प्रश्न नंबर पहला हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि एक जहाज जिसका द्रव्यमान 3×10^7 की ग्रह है। ठीक है दोस्तों, केजी को देख कर बताइएगा, आपको पता चल जाना चाहिए कि यह द्रव्यमान का मान दिया है। ठीक है, द्रव्यमान मतलब यम का मान दिया है। विराम में है तो विराम में भाई, तो उस समय U का मान क्या होगा, 0 होगा। इस पर 5×10^4 न्यूटन का बल लगाकर, न्यूटन बोला है भाई, न्यूटन बोला है, तो न्यूटन को देखकर पता चल जाएगा कि यप का मान दिया है, बल का मान दिया है। 3 मीटर विस्थापित, भाई मीटर को देखकर आपको पता हो जाना चाहिए, मीटर को देखकर पता हो जाना चाहिए कि यह, तो भाई दूरी का मात्रक है, तो मतलब यह यश का मान दिया है। ठीक है, और विस्थापित कर दिया जाता है जहाज द्वारा अर्जित वेग, वेग का मतलब भी पूछ रहा है। ठीक है, वेग की गणना कीजिए, जल द्वारा जहाज पर लगाया गया स्यान बल नगण्य है और संकेत में दिया है। दोस्तों, हम आपके बताएंगे V² = 2S दिया है संकेत में, मतलब फार्मूला लास्ट में इसी पर लगा देंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपके समझ में आया होगा। एक बार पुनः पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक जहाज जिसका द्रव्यमान 3×10^7 केजी है, तो दोस्तों केजी का मतलब द्रव्यमान का मात्रक है, यम का मान दिया है। इस पर 5×10^4 न्यूटन का बल लगाकर, ठीक है, 3 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है जहाज द्वारा अर्जित वेग, मतलब भी की गणना कर रहा है कि भी का मान बताओ, जल द्वारा जहाज पर लगाया गया स्यान बल नगण्य है। ठीक है, और संकेत में दिया V² = 2S। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग हल में लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है सब मान रख लेते हैं भाई, सब मान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हल में लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो यहां से द्रव्यमान दे रखा है, यम का मान दिया है दोस्तों कितना, 3×10^7 केजी। ठीक है, ये दे रखा है और विराम में बोला है, तो यू का मान क्या होगा, 0 होगा, विराम में बोला है यहाँ पे ना, स्थित है तो वहां पर यू का मान 0 हो जाएगा। और यप का मान दे रखा है दोस्तों कितना, यप का मान दिया है 5×10^4 न्यूटन। ठीक है, और मीटर 3 मीटर विस्थापित, मतलब यह सयस का मान आपके दिया है कितना, 3 मीटर। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, भी वेग पूछ रहा है, कैसे सॉल्व होगा बताते हैं, ये तो मान दिया है। ठीक है, और वेग पूछ रहा है, तो सबसे पहले अपने को अगर हम यही फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर त्वरण में नहीं पता है तो त्वरण निकालेंगे भाई, त्वरण निकालने के लिए आपके पता है, चूंकि फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है मेरे भाई, न्यूटन का दूसरा नियम बराबर क्या होता है, हमें यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो यप का मान आप रखेंगे, यप का मान क्या रखेंगे, 5×10^4 कितना है, 4 बराबर यम, यम का मान आप रखेंगे 3×10^7। क्या लिखने वाले हो आप यहाँ से, 3×10^7 और यहाँ पर ए है, यह गुड़ते में, आपके समझ में आ रही होगी बातें। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए का मान निकालेंगे तो गुणा इधर भाग होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 5×10^4 बटा में क्या होगा, 3×10^7। ठीक है, अब दोस्तों यह 10^7 ऊपर जाएगा, अंश में जाएगा, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, 5/3×10^4 क्या होगा, -7 होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं बताते हैं आपके, ए बराबर 5/3×10^-3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए का मान आ गया यहाँ से, तो
ए का मान आ गया, ए का मान पता चल गया, ठीक है। तो चूंकि हम लगाएंगे फार्मूला, चूंकि गति के समीकरण से क्या होता है फार्मूला बताते हैं आपके, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो बी का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर यू का मान आपके पास कितना है, जीरो है, जीरो है मेरे भाई, जीरो का स्क्वायर प्लस टू गुणते ए का मान कितना है पाँच बटा के तीन गुणते दस के पावर माइनस का थ्री गुणते, और यस का मान कितना है आप देख सकते हैं यस का मान थ्री है, तो यहाँ पर मेरे भाई थ्री रखेंगे और तीन से तीन बर्बाद हो जाएगा के दस होगा, और बी स्क्वायर बराबर क्या होगा जीरो का वर्ग जीरो होगा और दस गुणते दस के पावर क्या होगा माइनस का थ्री होगा, ठीक है। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ मैं आपको, आपके तो पता है कि अगर ये जीरो है और इसमें ये जोड़िएगा तो यही चीज आएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं क्या बी स्क्वायर इक्वल क्या लिखेंगे दस के मतलब दस गुणते दस के पावर माइनस का थ्री, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर माइनस तीन या प्लस एक है तो ऐड हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा दस के पावर माइनस टू होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो कड़ी लगेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों बी बराबर क्या होगा दस के पावर अंडर रूट मतलब कड़ी में लिखेंगे दस के पावर क्या माइनस का टू, और एक कड़ी में से बाहर आएगा तो क्या होगा दस के पावर माइनस एक होगा। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी, और दस के पावर माइनस एक को क्या लिख सकते हैं, इसे आप जीरो दशमलव एक लिख सकते हैं। और बेक का जो मात्रक होता है आपके पता होना चाहिए भाई, बेक का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड, यही क्या है दोस्तों राइट आंसर है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट करा दिया।